नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। हमारा justnyay.com ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म है, जहां आप देश के बड़े यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से, बेहद विद्वान वकीलों से ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। और आज की सीरीज में हम बातचीत करने जा रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका को कैसे मिलेगी, कैसे आप बेहतर जमानत ले सकते हैं, अग्रिम जमानत की याचिका लगा सकते हैं, और किन किन मसलों पर, किन किन पॉइंट्स पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा जिससे आप अग्रिम जमानत अपनी सुनिश्चित कर सकें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजीव अवस्थी जी जुड़ गए हैं। पिछले 30 साल का बड़ा अनुभव उनके साथ है। ईडी के लिए स्पेशल काउंसिल रहे हैं 14 साल करीब, और तमाम बड़े हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने देखा, इकोनॉमिक ऑफेंस के तमाम बड़े केसेस देखे। तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, अग्रिम जमानत का एक तो कानून क्या है, नंबर वन। नंबर दो चीज, अग्रिम जमानत लेने से पहले, किसी भी नॉन अवेलेबल वारंट के केस में अग्रिम जमानत लेने से के पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं जिससे कि जो व्यक्ति जिसके खिलाफ एक तरह का मुकदमा हो गया है और झूठा मुकदमा है, और उसको राहत मिल जाए, कम से कम गिरफ्तारी से राहत मिल जाए। राजीव जी, गुड इवनिंग विप्लव जी और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार जी। देखिए, ये जो अग्रिम जमानत है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है। अब जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रावधान को निरस्त करा हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपको एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन उन्होंने सस्पेंड कर रखा है। तो अगर हमें अग्रिम जमानत देनी होती है तो उसके लिए हमें हाई कोर्ट में अप्रोच करना होता है 482 सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत पिटीशन फाइल करके। जैसे कि आपने कहा कि अग्रिम जमानत है, अग्रिम जमानत 438 सीआरपीसी का प्रोविजन है जिसके तहत हम दाखिल करते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत से अलग अलग इश्यूज हैं। जैसे अभी नया कानून आया हुआ है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें अग्रिम जमानत मिलती है लेकिन उसका प्रोविजन जो है वो आपके अलग हैं। जैसे सेक्शन 45 है, अभी आपने बहुत सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, ट्विन कंडीशन को उन्होंने अपेल्ड कर दिया, जो विजय मदन लाल चौधरी का केस है, उससे पहले नरीमन जी ने उनको सेटिसाइड कर दिया था। तो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में सेक्शन 45 में हमें फाइल करना होता है, और 438 हमारा जो नॉर्मल आईपीसी और इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं दूसरे, उसमें लगानी होती है। अग्रिम जमानत की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि प्राइमा फेसाई आपका केस ऐसे लगना चाहिए इमीडिएटली देखने के बाद कि हाँ, जो जो पिटिशनर कह रहा है उसकी बात में दम है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि जी मेरे ऊपर ये झूठा केस बनाया गया है, तो आपको कंटेंट्स जो पिटीशन में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करने होंगे विद एविडेंसेस। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर जी 302 का मुकदमा बना दिया, और जबकि उस वक्त मैं बैंकॉक या यूएसए या कनाडा में बैठा हुआ हूं, तो मैं प्ली ऑफ एलिबाई प्ली करके मैं अपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट हैं, जो मेरे ट्रेवल के, स्टे के एटसेट्रा, वो लगा के मैं अग्रिम जमानत के लिए जाता हूँ। कि सेक्शन बहुत सीरियस है 302, लेकिन क्योंकि मैं वहां प्रेजेंट ही नहीं हूं, तो लिहाजा ये प्राइमा फेसाई केस झूठा लगता है। तो इस तरह से हमें अपने हर फैक्ट्स को क्लियरली उसमें मेंशन करना पड़ेगा विद अवेलेबल एविडेंसेस जो आपके पास हैं, और कोर्ट उसको कंसीडर करके आपको जमानत देगी। ठीक है, एंटीसिपेटरी का जो बेसिकली एक तरह का प्रावधान है, उसका साफ तौर पर मतलब ये है, एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन कहता है कि आपकी गिरफ्तारी से आपको डर है। अब आपको किसी भी तरीके से ये पता चल गया है कि साहब अमुक मुकदमे में हमारा नाम है और पुलिस हमको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, आप कोर्ट के सामने चले जाएंगे। मुझे राजीव जी ये बताइए, अदालत के सामने जो सेटिस्फेक्शन, आपने जैसा कि कहा कि आपको बताना ये पड़ेगा कि आप इस अमुक केस में क्यों नहीं, किस तरह समझ, क्या ये उसी तरह है जैसे आप किसी अमुक केस के ट्रायल को करते हैं,
या एक तरह से रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, क्या उसी तरह का विचारण अदालत के सामने होगा या एक तरह का संक्षिप्त विचारण होगा जहां आप उस केस की मेरिट को तो छुएंगे लेकिन उस केस के अंदर नहीं जाते हैं, तो कितनी बड़ी ये अहम भूमिका रहती है इसमें? देखिए, एंटीसिपेटरी का आप जब फाइल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके सामने पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किए हुए सारे तथ्य नहीं है, आपकी नॉलेज में आया कि आपके कोई खिलाफ केस दर्ज हुआ है और आपको आपको उसकी लिमिटेड डिटेल्स पता हैं, ठीक है जी। ये चलेगा बिल्कुल जैसे रेगुलर बेल होती है, लेकिन क्योंकि उसका ऐसा है कि जब हम फाइल करते हैं एंटीसिपेटरी बेल तो फिर पुलिस अपना जवाब फाइल करती है या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी फाइल करती है, वो उसमें तथ्य लिखती है कि किन तथ्यों के बिना पर हम हमारे मुताबिक ये मुलजिम है और कितने कितने सीरियस एलिगेशन है उनके खिलाफ। तो प्रोसीडिंग्स पूरी आर्ग्यूमेंट होती है, डिटेल होती है, डिपेंड करता है कि पुलिस उनके कोर्ट के सामने क्या एविडेंसेस रखती है। तो अगर एविडेंसेस जो हमारी नॉलेज में ही नहीं है तथ्य, तो उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम फिर कोर्ट से टाइम मांग सकते हैं कि जो ये एलिगेशन हमारे खिलाफ बता रहे हैं उसके अगेंस्ट मेरे पास ये एविडेंसेस हैं, तो हम एक एडिशनल एफिडेविट या एडिशनल और रिप्लाई फाइल कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू पुलिस रिस्पॉन्स। तो वो आर्ग्यूमेंट तो सारे कंप्लीट डिटेल में ही होते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे तथ्य क्या है और पुलिस के एविडेंस क्या है हमारे खिलाफ। मतलब पुलिस की जो थ्योरम है, थ्योरी है जिसके अंतर्गत आपको अमुक केस में इन्वॉल्व किया गया है, उसकी पूरी थ्योरी ही को आपको खारिज करना पड़ेगा अदालत के सामने। बिल्कुल जी, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस भी अपना अगर कोई केस दर्ज करती है तो वो भी किसी इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के बिना पे करती है। तो अगर हम एंटीसिपेटरी मांग रहे हैं तो हमारे एविडेंसेस इस तरह के लगने चाहिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल इमीडिएटली प्रूव हो सकती है कि जो पुलिस कह रही है वो गलत है, जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपको मैंने कहा जी 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 प्लीज, कई आधार होते हैं एंटीसिपेटरी बेल के। तो अब जब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की, देखिए ये कंसेप्ट सारे टाइम टू टाइम कोर्ट्स में एडजुडिकेट हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स ने उनमें अपनी इंटरप्रिटेशन दी है। तो सबसे खूबसूरत जजमेंट है एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर वो है गुरुबख्श सिंह सीबिया का 1981 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें पूरी एंटीसिपेटरी बेल क्या कंडीशन कैसे होना चाहिए, देनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसा सब कुछ उन्होंने उसमें डिटेल में डील किया है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अदालतों का आपका चूंकि एक लंबा बड़ा अनुभव हो गया, हाई प्रोफाइल आपने केसेस भी देखे, प्रोसिक्यूशन की साइड यानी कि ईडी की तरफ से भी आपने देखे, अदालतों का किस तरह का रुख रहता है एंटीसिपेटरी को लेकर? देखिए विप्लव जी, मैं आपसे बड़ा फ्रैंक ही बात करूं, देखिए अब वो माहौल नहीं रहा जहां पर हम कहते थे कि लॉ के मुताबिक चलता है। जिस तरह से मीडिया ट्रायल शुरू हो गए हैं तो एक कोर्ट का माइंड प्रिजुडिस हो ही जाता है जितना वो ना करना चाहे कि हमारे यहाँ कोई एविडेंस आया नहीं, कुछ अभी रिकवर नहीं हुआ, कुछ वो नहीं, और उसको मीडिया में इतना बड़ा मुलजिम करार दे दिया जाता है कि उसमें एक सीरियस एंगल अटैच हो जाता है। तो कोर्ट कई बार सस्पेक्टेबल हो जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत हाई प्रोफाइल मीडिया में आ गया है, तो मतलब वेइंग जो एक स्टैंडर्ड्स हैं वो बदल जाते हैं कोर्ट के। तो आज की तारीख में तो अगर हम कानून की बात करें, कानून बहुत सिंपल और स्ट्रेट है, Everybody is innocent till he is proven guilty in the court of law. लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रायल भी पहले ही हो जाता है, सजा पे भी बहस होने लगती है, इसको फांसी मिलना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, तो वो ना एक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है कोर्ट का। तो उसमें आज की तारीख में तो मैं ये कहूंगा कि जो ज्यादा बहुत ज्यादा मीडिया में स्प्लैश हो गया तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंटीसिपेटरी बेल लेना, वरना नॉर्मली अच्छे केसेस में बहुत एंटीसिपेटरी हमने बहुत कराई हैं। और अब जैसे ईडी के केसेस हैं तो कोर्ट्स आर वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड अबाउट ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल। अब तो एंटीसिपेटरी के अब तो रेगुलर बेल भी बहुत मुश्किल हो गया है, एक बार ईडी नाम लग जाए या सीबीआई लग जाए। तो उसमें क्या है कि हमें बहुत ही केयरफुली ड्राफ्ट करनी चाहिए, हमें अपना केस मजबूती से पता होना चाहिए,
हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एलिगेशन है उसको मैंने कैसे काउंटर करना है, उसका मेरे पास क्या एविडेंस है, क्या सबूत है मैं कोर्ट के सामने पेश कर सकूं कि जो पुलिस की थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है, उसके अगेंस्ट मेरे पास ये मटेरियल है जो प्रूव करता है कि आई एम इनोसेंट। क्योंकि एंटीसिपेटरी मींस लव एट फर्स्ट साइट, जज को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये एक इसमें मतलब जब तक प्रॉपर एविडेंस ना आए तो अरेस्ट का एस्पेक्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इनको एक मौका मिलना चाहिए। तो उसके बाद कोर्ट ड्यूरिंग फिर जब एविडेंस आता है तो उसको रिकंसीडर कर सकती है। ठीक है राजीव जी, मुझे ये बताइए कि इस तरह के मामलों में जहां किसी अमुक व्यक्ति एक्स के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है और उसको सूचना आ गई है, तो जब किसी आप क्लाइंट को सलाह देते हैं कि यू गो फॉर एंटीसिपेटरी बेल, तो मुझे ये बताइए कि एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के बीच की जो इस टर्मोलॉजी का अंतर है इसका क्या मायने है, नंबर वन। नंबर दो चीज, क्यों एंटीसिपेटरी की तरफ आप अपने क्लाइंट को ले जाते हैं अदालत के सामने? जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं विप्लव जी। फर्स्ट हमें ये देखना होता है कि नेचर ऑफ एलिगेशन क्या है, ऑफेंस क्या है। ऑफेंस ऐसा भी होता है जिसमें सजा 3 साल है, ऑफेंस वो भी हो सकता है जिसमें 7 साल है, ऑफेंस वो भी हो सकता है उसमें 10 साल है, ऑफेंस वो भी हो सकता है जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ऑफेंस वो भी हो सकता है जिसमें डेथ पेनल्टी है। मतलब जब अगर प्रूव हो गया गिल्टी तो डेथ तक हो सकती है उसकी। तो हम जो पहले देखते हैं कि क्या ऑफेंसेस लगाए गए हैं, ठीक है जी। अगर हमें लगता है कि वो ऑफेंसेस बहुत सीरियस नहीं हैं, तो हम उसको एंटीसिपेटरी बेल के लिए एडवाइस करते हैं और हम उसके हिसाब से ही अपनी पिटीशन को ड्राफ्ट करते हैं कि उसकी ग्रेविटी ऑफेंस क्या है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है और सेंटेंस के क्या प्रेस्क्राइब है उस ऑफेंस के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था बीच में अरनेश कुमार के नाम से जी। अरनेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट ने यही चीजें देखते हुए कि जिस तरह से मिसयूज होता है पुलिस का, सेक्शंस लगा दिए जाते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है और अरेस्ट कर लिया जाता है, तो अरनेश कुमार ने गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कोई भी अगर 7 साल तक की सजा का ऑफेंस है तो आपको 41 सीआरपीसी का नोटिस देना पड़ेगा आपको उसको अरेस्ट करने से पहले, ठीक है। और उसको आप अरेस्ट नहीं कर लेंगे इमीडिएटली ऐसे ही, ठीक है। बल्कि यहां तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इवन मैजिस्ट्रेट अगर नहीं फॉलो करते हैं जो गाइडलाइन अरनेश कुमार की, दैट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो मैं कोर्ट्स भी टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा उनकी भी नॉलेज में आती हैं एक्सेसिव अब्यूज ऑफ पावर्स, तो वो टाइम टू टाइम उन्होंने अपनी गाइडलाइंस इंटरप्रिटेशंस दी हैं उस पे। तो अरनेश कुमार बहुत लीडिंग जजमेंट है जो कहता है कि 7 साल की सजा तक अगर है तो आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे, आप पहले उसको सेक्शन 41 सीआरपीसी का नोटिस दोगे और अपॉर्चुनिटी दोगे उसको एक्सप्लेन करने की कि आपके क्या एलिगेशन है और उसका क्या जवाब है उसके बारे में। ठीक है, एक मुझे संक्षिप्त में बता दीजिए इस प्रक्रिया में, एंटीसिपेटरी की प्रक्रिया में क्या खुद भी जिस पे आरोप है, जिसका जो नामजद हो गया है या अप्रिहेंशन है, क्या उसको प्रेजेंट रहना कोर्ट में जरूरी नहीं, है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल इज ऑलवेज थ्रू अ लॉयर, वो लगाते हैं और उस पे आर्गुमेंट, उसमें एक्यूज की प्रेजेंस की कोई वो नहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एक्यूज की तरफ से वकालतनामा कौन साइन कर सकता है या केवल एक्यूज ही करेगा? एक्यूज ही करेगा क्योंकि वो बाहर है एंटीसिपेटरी में, तो वही उसी को करना पड़ेगा, वही करता है। रेगुलर बेल में कई बार होता है कि पैरोकार का एफिडेविट वकालतनामा भी चल जाता है, जैसे कोई फैमिली मेंबर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गई, मदर हो गई, फादर हो गए या कोई क्लोज रिलेटिव हो गया, तो वो भी फाइल कर सकता है अगर आदमी, अगर जो एक्यूज है वो जेल में है। ठीक है, एक बहुत संक्षिप्त राजीव जी मुझे बता दीजिएगा, बिल्कुल अंतिम में, लास्ट में आपसे पूछ रहा हूं, बेल को लेके जो अभी वर्तमान समय में किस तरह का अदालतों का रुख है, वो उस पर आप कोई विशेष टिप्पणी कर सकें? मैंने आपको सर बहुत सिंपल बता रहा हूँ, स्ट्रेट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इधर से भी देखा है रुख, उधर से भी देखा है। देखिए, कोर्ट्स आर वेरी क्लियर, उनको कानून पता है, उनको अपनी हदें पता है,
वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे कोर्ट है, बहुत अच्छे जजेस की अप्रोच है, और वो भी बहुत अच्छे डिसीजंस देते हैं एंटीसिपेटरी बिल वगैरह के। लेकिन वो जो माहौल में बदलाव आया है, मैंने आपको बताया कि सर जो मीडिया हाइप हो जाता है कि या जिसमें बहुत ज्यादा वैनम क्रिएट हो जाता है, कर दिया जाता है, तो कई बार हेजिटेंसी आती है यार कि इतना मीडिया में आ रहा है तो मैंने बेल कर दी तो फिर क्या हाई कोर्ट एक्सप्लेनेशन ना कॉल कर ले, सुपीरियर कोर्ट एक्सप्लेनेशन कॉल कर ले, आपने क्यों बेल दे दी, तो कोर्ट कई बार हेजिटेंट हो जाते हैं। वरना नॉर्मल सिचुएशंस में एंटीसिपेटरी बेल्स होती हैं, ग्रांट होती हैं, कोर्ट्स आर वेरी रीजनेबल, और वो भी देखते हैं कि अगर जहां पर अरेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और ऐसे एलिगेशंस नहीं है जो कि बहुत सीरियस नेचर के हैं, तो कोर्ट नॉर्मली ग्रांट कर देती है एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, सेशन कोर्ट अगर खारिज कर देता है तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये सब विकल्प खुले रहते हैं। जी 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 जी, पहले जैसे अप टू 7 years है तो इट विल गो बिफोर ए मैजिस्ट्रेट, राइट? मैजिस्ट्रेट अगर उसको रिजेक्ट करता है तो देन यू गो बिफोर सेशन कोर्ट, करेक्ट? सेशन कोर्ट अगर करता है तो देन यू गो टू हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऑल डोर्स आर ओपन। ओके, और बेल, एंटीसिपेटरी बेल या कुछ भी है, वो आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक वो अपील हो गई तो हाई कोर्ट में जाएगी, इट इज एन ओपन, जाएगी वो 438 सीआरपीसी में ही, चाहे किसी भी फोरम में जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत संक्षिप्त में कहते हैं गागर में सागर आपने भर दिया, बहुत ही संक्षिप्त वार्ता में आपने बहुत सी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। इस वीडियो के नीचे लगातार एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं राजीव अवस्थी जी से, किसी भी प्रकार की आपको कानूनी कोई सलाह चाहिए या कहीं कोई मदद चाहिए, आपका मैटर किसी भी राज्य में है, आपको कोई कानूनी दिक्कतों का सामना करना है, तो भी आप राजीव जी से आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।